नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम इस विषय में बात करेंगे कि ऐसी पांच चीज़ें जिससे भूत प्रेतों की शक्तियों में कमी आती है, वो आप पे पूरी तरीके से वो अटैक नहीं कर पाते, या फिर अटैक करते भी हैं तो उनके अंदर वो पूरी शक्ति नहीं हो पाती आपकी वजह से, ऐसी आदतों से। ऐसे पाँच काम मैं बताऊँगा जो करने से भूत प्रेतों की ऊर्जा में, उनकी शक्ति में कमी आएगी, उनकी अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी जो ओरिजिनली उनमें है। पहली चीज़ है कि हमेशा पूजा पाठ करते रहिए। भगवान में जितना ज़्यादा विश्वास जगा के रखेंगे उतनी ज़्यादा आपको पावर्स मिलेंगी, उतनी ज़्यादा उच्च बली आत्माएं या भगवान के भेजे हुए दूत आपकी रक्षा करेंगे। तो हमेशा किसी भी अवस्था में आपको पूजा पाठ मत छोड़िए। अगर नहीं हो पाती तो सुनिए उसको, घर में उसमें चलाइए, टेप रिकॉर्डर में चलाइए, डैक में चलाइए। तो ईश्वर का स्मरण जो है आपके कानों में गूंजता रहना चाहिए, घर में गूंजता रहना चाहिए, और आप खुद बोलें तो बहुत ही बढ़िया। दूसरी चीज़ है कि सात्विक रहिए, तामसिक भोजन से दूर रहिए, यानी कि मीट, मांस, शराब, अंडा, मछली, इस तरीके के भोजन से नेगेटिव आत्माओं को, नेगेटिव स्पिरिट्स को पावर मिलती है, क्योंकि आपके ही पंच तत्व से बने हुए शरीर का इस्तेमाल करते हैं ये और पावर सब करते हैं। जब आप नेगेटिव फूड खाते हो, तामसिक भोजन करते हो जिसमें मीट, मांस, शराब, अंडा, मछली है, तो ये कहीं ना कहीं इनको आप बलवान कर रहे हो इनडायरेक्टली, क्योंकि हर मीट, मांस, अंडा, मछली का मतलब है कोई ना कोई जीव हत्या। शराब भी तामसिक भोजन मानी जाती है, तो हर चीज़ नेगेटिव है, ईश्वर के विरुद्ध है। तो जो काम ईश्वर के विरुद्ध होगा वो इनको पावर देगा। तो आप सात्विक रहेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी पावर कम रहेगी, खासकर जो प्रेत रोगी हैं वो। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने शरीर को साफ़ रखते हैं, रेगुलरली दो टाइम नहाते हैं सुबह शाम, शरीर में गंदगी और बदबू नहीं जमा होने देते, तो बहुत हद तक आपका शरीर जब स्वच्छ रहेगा तो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव कम रहेगा, एज़ कम्पेयर टू वो शरीर जो नहाते नहीं है। कई महीने हो जाते हैं, कई दिन हो जाते हैं, तो शरीर में बदबू भी जमा हो जाती है, पसीना हो जाता है, कहीं दुनिया भर की वो होती है, गंदगी होती है। तो ऐसे में ये नेगेटिव स्पिरिट्स अट्रैक्ट होती हैं और ऐसे शरीर पे इजीली कब्ज़ा जमाती हैं और बहुत पावरफुल वे में जमाती हैं। तो आप जितना साफ सुथरे रहेंगे उतनी आप इनकी पावर को कम करेंगे। चौथी चीज़, घर को साफ सुथरा रखना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं कई दफ़ा कहता हूँ घर में कोई भी फालतू सामान है, कबाड़ है, घर से बाहर निकालिए। घर में सिर्फ वो सामान होना चाहिए जो आपके यूज़ का है, जो सामान यूज़ का नहीं है, कई सालों से पड़ा है, सड़ रहा है, उसे बाहर निकालिए। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, चाहे लोहा लंगड़ है, चाहे रद्दी है, चाहे कुछ भी है, कोई भी रूम ऐसा मत बनाइए जिसमें आप सामान डंप कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी जगह जो वहाँ गंदगी होगी, जहाँ अनयूज्ड मटेरियल होगा, अनयूज्ड प्रोडक्ट्स होंगे, वो नेगेटिव एनर्जी को पावर देगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं स्थायी रूप से ठिकाना ढूंढती हैं। तो इस भौतिक दुनिया में आपके मकान में ये सिर्फ वही स्रोत ढूंढेंगी जहाँ गंदगी हो और अनयूज्ड फालतू सामान पड़ा हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो घर को साफ रखिए, बिल्कुल घर में कोई भी फालतू सामान मत रखिए, वो रखिए जो यूज़ का हो, और एकदम चकाचक साफ सुथरा घर रखिए, उससे भी इनकी नेगेटिव पावर कम होने लगती है। पांचवी चीज़ आपने क्या करनी है कि अगर आपने कोई लॉकेट पहन रखा है, कोई भी मंत्रित चीज़ पहन रखी है, या फिर आप जैसे मेरी धुनी जला रहे हैं, तो उससे भी इनकी नेगेटिव पावर कम होती है, क्योंकि ये एक काउंटर अटैक का काम करती है। इनके अटैक से पहले ही आप अटैक कर रहे हो, कोई भी आपने लॉकेट पहना हुआ है, अभिमंत्रित है, तो ये जब आप पे अटैक करती हैं तो इनकी पावर क्षीण होती है, इनको ही यूं कह लीजिए बदले में घात मिलता है, आघात मिलता है। और इसी तरीके से जब धुनी आप जलाते हो मेरी, तो भी इनका अग्नि तत्व, इनकी जो पावर है वो कम होने लगती है। तो ये पाँचों चीज़ों से किसी भी भूत प्रेत की, नेगेटिव स्पिरिट की पावर में कमी ज़रूर आएगी, बशर्ते रेगुलर बेसिस पे आप उसे प्रैक्टिस में और अमल में लाइए। तो आई होप जिनका सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया के बारे में, यानी कि पैरानॉर्मल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जानकारी मिलती रहे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को सुनाइए, शेयर कीजिए। अगर आपको धुनी चाहिए या लॉकेट चाहिए मेरे द्वारा अभिमंत्रित, तो आप मोबाइल नंबर 8130331007 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई परेशानी है तो ईमेल कीजिए pulkitsingla901@gmail.com पे। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।